कौन सी पार्टी का है ये सांसद? ये सांसद किस पार्टी का है? झा जिनों का शिवा 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 हाँ यस वो नहीं हो जरा शिवा थे एनिमोली हैज कम शिवा इज वाज देयर इन द हाउस ओके चलो यस कम कम यहाँ पर सभी पार्टियों के अपोजिशन पार्टियों के नेतागण हमारे साथ हैं और हम सभी ने मिलके एक निर्णय लिया कि जो घटनाएं आज देश में आर्थिक दृष्टि से घोटाले हो रहे हैं उसके बारे में एक आवाज में सदन में उठाना ये हमारा सबका मकसद है। इसीलिए हमने एक नोटिस दी थी 267 के तहत। मैं आपके लिए वो पढ़ के बताऊंगा ताकि उसमें क्या चीज़ें हमने लिखी है इसका थोड़ा सा ठीक ढंग से उसका मालूमात आपको मिले। ये सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस अंडर रूल 267 फॉर 2nd February 2023। आई हियर बाय गिव नोटिस under rule 267 of the rules of procedure and conduct of business in the council of states of Rajya Sabha of my intention to move the following motion for suspension of business listed for 2 February 2023। so aaj ke business ko suspend karke aap ये हमारी नोटिस को महत्व देना और चर्चा के लिए हमको परमिशन देना और उसमें ये विषय हमने बताया कि दैट दिस हाउस डू सस्पेंड 0 आवर एंड रिलेवेंट रूल्स रिलेटिंग टू क्वेश्चन आवर एंड अदर बिजनेसेस ऑफ द डे टू डिस्कस द इश्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट by LIC, public sector banks and financial institutions in companies losing market value, endangering the hard-earned savings of crores of Indians। ये हमारा नोटिस है और ये नोटिस पे हम चर्चा चाहते थे लेकिन और जब भी हम नोटिस देते हैं तो मुझे मालूम नहीं हो रहा कि किस तरीके का नोटिस देना चाहिए। हर वक्त हमारे नोटिसेस रिजेक्ट होते हैं और महत्वपूर्ण जो विषय है मुद्दे हैं जब हम उठाते हैं तो उसको चर्चा का अवकाश नहीं मिलता समय नहीं मिलता। इसीलिए हम सभी ने यह तय किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा LIC में है एक जिसको बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं पॉलिसी लेते हैं बच्चों के पढ़ाई के साथ और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ जो बैंक है SBI बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज बैंक्स हो उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है चंद कंपनियों को दिया जा रहा है और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई US की कंपनी एक हिडनबर्ग
जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित में, हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसा है, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका भी उनको एक विश्वास मिलता है। नहीं तो सारे लोगों का, इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ। और हमारी मांग ये है कि या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते जाइए। यही हमारा डिमांड है, इसीलिए हम आपके पास आए और सारे पार्टी के नेता लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी एक एक मिनट अपनी बात रखेंगे। आप उनका भी जरा सहन से, आपको तो सहनशीलता है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनकी बात भी सुने। थैंक यू। रामगोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी। ये माननीय खड़गे साहब ने जो कहा है उससे समाजवादी पार्टी पूरी तरह सहमत है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जिनके पैसे बैंकों में जमा हैं या LIC की पॉलिसी जिनके पास हैं और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पैसे जिनके हैं, उन लोगों में दहशत पैदा हो गई है। आप आश्चर्य करेंगे कि जिला स्तर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित बैंकें जो लोग अपना पैसा निकालने जा रहे हैं उनको ये कह के लौटा रहे हैं कि पैसा अभी नहीं है, शाम को आना, 2 बजे आना। ये स्थिति हो गई है। पूरा देश जिनका पैसा, अभी तक लोग यही तो समझते थे कि बैंक में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, न वहाँ डकैती पड़ सकती है, न कोई छीन सकता है, लेकिन ये तो सारे देश के लोगों की जेब पर डकैती पड़ गई सीधी और पड़ने वाली है। इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ तमाम लोग ये कहेंगे संसद में एक मिनट का इतना पैसा खर्च होता है, लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हम तो पूरे देश के लोगों को ही लड़ रहे हैं, पूरे लोग, और उनके लड़ने के लिए, लड़ने, हम लोगों के लड़ने से अगर जनहित में कुछ गवर्नमेंट को फैसला लेने के लिए विवश होना पड़ सकता है तो वो करेंगे ही। पार्टियों ने आज एडजमेंट मोशन दिया है राज्यसभा में, इसी तरीके से लोकसभा में दिए देना हुआ। हम सब लोग सहमत है जो खड़गे साहब एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं, स्पिरिट वही है हर पार्टी में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चेयरमैन साहब उठ के आज बोलते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट, आज ही नहीं दूसरे चेयरमैन भी यही बोलना शुरू करे कि आपका नोटिस ऑर्डर में नहीं है, कोई प्रोफॉर्मा नहीं है। एज फार एज एडमेंटमेंट मोशन इज कंसर्न देर इज नो प्रोफॉर्मा एट ऑल।
अगर तब प्रोफार्मा नहीं है तो ऑर्डर वो दीजिए, हम पढ़ने को तैयार है, सीखने को तैयार है। ऑर्डर वो नहीं बताते कि ऑर्डर क्या चीज़ होती है, तो वो ऑर्डर नहीं है। इसके लिए मैं बहुत मेरा ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर रहा हूँ थ्रू यू के इन द ऑब्सेंस ऑफ एनीथिंग प्रोफार्मा यू कॉन्ट टीच अस एज व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ द रिपोर्ट, वन बात। दूसरी बात ये है कि ये जो इशू है सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, ये बहुत सबसे बड़ी अगर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है तो आप सस्पेंड करते हैं बिजनेस को। मेरे ज़्यादा ख्याल है जैसा कि कारगे साहब बोले, इससे बड़ा सीरियस इशू कौन सा हो सकता है, क्योंकि इंटायर इकॉनमी नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्रोनिक कैपिटलिज्म। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, मैं कैपिटलिज्म को क्रोनिक कर रहा हूँ। एक का दोस्त बनता तो वो कैपिटल बन जाता है, कि जैसा कि हमारे पास चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे कि आप लोग सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का इश्यू है। ये तरीके से आपने एक दिया है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और इसको मत मिलाइए, थोड़ा कन्फ्यूज चल रहा है कि उन्होंने अपना कॉल ऑफ कर दिया है 20,000 के थिंग कोई मॉरल इशू पे। व्हाट इज द मॉरलिटी? द एंटायर अडवानी एंटरप्राइजेस स्टॉक्स हैव गॉन डाउन बाय 27% इन वन डे। जो एक दिन में 27% क्रैश होता है, उसका मतलब है उस आदमी का क्रेडिबिलिटी चले जाता है। क्रेडिबिलिटी जाने के बाद और पैसे लेते हैं आप लोग, उसमें मॉरलिटी की क्या बात है? मॉरल इशू ही नहीं है इसमें। वो इशू ना ऑटोमेटिक नेचुरल था, आया है, हमने यही किया। वी आर वन, ऑल ऑफ अस आर वन। स्पिरिट यही है कि दिस हैज़ टू बी डिस्कस एंड वी हैव आस्क्ड फॉर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, बट वी आर एग्रीइंग विद लीडर ऑफ अपोजिशन दैट इन केस इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रीजन देन वी आर इवन प्रिपेयर फॉर द इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू। टीएमसी से शांतनु सेन साहब अपनी बात रखेंगे। नहीं, हम सब ने ये देख रहा है कि पिछले कई सालों से 267 नोटिस जो लीगल जो रैशनल डिमांड है हम लोगों का, एक भी 267 अलाउ नहीं किया जा रहा है। हमको तो ये लग रहा है जो वेटरन एमपीज है उनको क्लास लेना पड़ेगा चेयरमैन सर से कि 267 किस तरीके से दिया जाता है। जिस तरीके से 267 हर बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और जहाँ तक इस इशू का सवाल है, टीएमसी का मांग है एक प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए। ऑल राइट, द ऑपोजिशन देयर ऑफ कोर्स अपिंग इट्स एंटे ओवर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट, डिमांडिंग डिस्कशन इन फैक्ट ऑन द इशू इन पार्लियामेंट। ऑल्सो गोइंग ऑन टू से दैट ईच टाइम देयर नोटिसेस आर रिजेक्टेड एंड दैट्स व्हाई दे हैव ऑल कम टुगेदर कलेक्टिवली एंड वांट टू रेज मल्टीपल इशूज इन द पार्लियामेंट एंड प्राइमरली द They demand a discussion on the investment by banks in companies that are losing market value. Also demanding a JPC probe or a probe by or an SC monitored probe into the allegations that have been leveled in the Hindenburg report.